दोस्तों नमस्कार, डिस्कवर देवभूमि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीम करौली महाराज जी की महासमाधि के बारे में। दोस्तों महाराज जी को अपने शरीर के अंत का आभास बहुत पहले ही हो चुका था। कैंची धाम के लोग बताते हैं कि इस बार जब वे कैंची धाम से वृंदावन की ओर जाने लगे तो कैंची धाम के सभी मंदिरों में अपना महाराज जी ने मत्था टेका और प्रणाम किया। इसके बाद माँ दुर्गा और हनुमान जी के मंदिर के सामने बाबा जी ने प्रणाम करके अपना कंबल वहीं फेंक दिया था। बाद में भक्तों ने उन्हें कंबल उड़ाया था। दोस्तों महाराज जी जब भी कैंची धाम से वृंदावन की ओर जाते थे तो हमेशा वो जीप से सफर करते थे, लेकिन इस बार महाराज जी ने ट्रेन को अपने सफर के लिए चुना और यह भी एक रहस्य बना रहा। दोस्तों यह दिन था 9 सितंबर 1973 को, जब बाबा जी ने कैंची धाम से वृंदावन की ओर जाने का निर्णय लिया और वह निकल पड़े। बाबा के आदेश से जब गाड़ी मथुरा में रुकी तो सभी रेलगाड़ी से भक्तजन उतर गए। स्टेशन पर कुछ भक्तों ने बाबा के पैर भी छुए, लेकिन कुछ समय बाद बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके शरीर से पसीना आने लगा। उन्होंने पानी मांगा और पानी पीने के बाद उन्होंने वृंदावन ले चलने के लिए कहा। जब तक एक टैक्सी की व्यवस्था की गई तब तक बाबा जी बेहोश हो गए थे। उन्हें आश्रम ले जाने के बजाय भक्त उन्हें वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले गए, जहां महाराज जी को ऑक्सीजन दिया गया। जब उनके रक्तचाप की जांच की तैयारी की जा रही थी तो बाबा ने नाक से अपने ऑक्सीजन ट्यूब को खींच लिया और रक्तचाप के यंत्र को एक तरफ धकेल दिया और धीमी आवाज में कहा, यह सब बेकार है। इसके तत्काल बाद उन्होंने भगवान का नाम 3 बार दोहराया, जगदीश जगदीश जगदीश, और फिर उनका शरीर शिथिल पड़ गया। दोस्तों 11 सितंबर 1973 को मध्यरात्रि में 1:15 पर अनंत चतुर्दशी का पवित्र दिन था, जब बाबा जी ने हृदयाघात के कारण खुद को अनंत में विलीन कर लिया था। जब पूरा भारत गहरी नींद में सो रहा था तब बाबा ने अपनी भौतिक लीला को अपने भक्तों से दूर समाप्त कर दिया। बाबा के शरीर को वृंदावन आश्रम ले जाया गया, जहां चौकीदार त्रिलोक सिंह रात में उनके साथ बैठे रहे। त्रिलोक सिंह ने बाबा के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा। वह अपनी आँखें बंद करके बैठे हुए थे। उन्होंने बाबा की नब्ज चलने का अनुभव किया। जबकि उन्होंने जब आंखें खोली अपनी तो यह शांत थी। इस तरह बाबा जी का अलौकिक दिव्य खेल शुरू हुआ। बनवारी लाल पाठक जी, वृंदावन के पुजारी जी और बाबा जी के एक अन्य भक्त अस्पताल पहुंचे थे, क्योंकि महाराज जी को आश्रम ले जाया जाना था। उन्होंने आगरा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, नैनीताल और अन्य शहरों में फोन या टेलीग्राम के जरिए लोगों को सूचित करना शुरू किया। अखिल भारतीय आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो ने भी अपने सुबह और शाम के समाचारों में पूरे देश में ये समाचार प्रसारित किया। अगले सुबह हर जगह से भक्तजन वृंदावन के लिए रवाना हो गए। पास के शहरों और आसपास के इलाकों से भक्तगण सुबह सुबह जल्दी आ गए और दूर से आने वालों का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। श्री सिद्धिमा और जीवंतीमा रमेश भाई के साथ कैंची आश्रम से टैक्सी से आने लगे। भारत में आए हुए पश्चिमी देशों के भक्त भी वहां आए थे, तथा 30 अमेरिकी भक्तों का एक समूह विमान द्वारा भारत आने में सफल रहा। कई प्रसिद्ध व्यक्ति और उच्च अधिकारी भी महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। उनकी कृपा से खबर हर किसी तक पहुंची थी। जहां भी समाचार प्राप्त हुआ और जिसे भी प्राप्त हुआ, सब हक्के बक्के रह गए और समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा जी के साथ आखिर क्या हुआ। वृंदावन आश्रम में भक्तजन बाबा के अंतिम संस्कार के विधि और तरीकों का फैसला नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग जल में विसर्जन के पक्ष में थे, लेकिन कुछ दूसरे लोग जमीन में समाधि बनाकर स्मारक बनाना चाहते थे। तभी वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत बाबा लीलानंद ठाकुर, जिन्हें पागल बाबा के नाम से भी जाना जाता था, वह वहां पहुंचे। पागल बाबा ने अंत में निर्णय लिया
कि महाराज जी का दाह संस्कार होना चाहिए और यह आश्रम के अंदर उसी स्थान पर होना चाहिए जहां पर यज्ञ किया जाता है, और उस जगह के चारों तरफ पहले से एक छोटी पत्थर की दीवार खड़ी की गई थी। इसे ऐसे बनाए रखा गया था जैसे कि इसका उद्देश्य महाराज जी का दाह संस्कार से ही तैयार किया गया हो। दोपहर 2 बजे तक श्री सिद्धि माँ भी नहीं पहुंची थी। लोग भूखे और प्यासे थे। उनमें से ज्यादातर लोग दाह संस्कार में विलंब नहीं करना चाहते थे, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि उन्हें श्री सिद्धि माँ का इंतजार करना चाहिए। जब बहुमत की राय पूरी तरह प्रभावित हुई तो बाबा का शरीर आश्रम के आंगन में लाया गया। तभी अचानक कहीं से एक भयंकर तूफान उठा। इतनी तेज बारिश हुई कि लोगों को 10 कदम दूरी से भी अधिक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बादलों से वातावरण में अंधकार छा गया था। यहाँ तक कि गुजरती हुई गाड़ियों की हेडलाइट्स भी मंदी पड़ गई थी। परिणाम स्वरूप बाबा जी की अर्थी को बरामदे में ही रखना पड़ा और थोड़ी देर बाद वहाँ श्री सिद्धि माँ भी पहुँच गई। जैसे ही श्री सिद्धि माँ ने गाड़ी से बाहर अपना कदम रखा तो तूफान शांत हो गया। उनके आने पर माहौल और गमगमीन हो गया। चंदन की लकड़ी की व्यवस्था की गई और लोगों ने अपने प्यारे बाबा जी के दर्शन किए। बाबा ऐसे लगते थे जैसे वो गहरी नींद में थे। उनका चेहरा पहले की तरह ही चमक रहा था। बाबा के शरीर को फूलों से सजी हुई अर्थी पर रखा गया। बाबा जी की अर्थी को कंधा देने वाले पहले व्यक्ति बाबा जी के प्रिय भक्त कैंची धाम से पूर्णानंद तिवारी जी थे। बाबा जी ने अंत समय में भी यही कहा था कि भक्त पूर्णानंद उनकी अर्थी को पहला कंधा देंगे। उसके बाद उनके शव को एक वाहन में रखा गया और वृंदावन के चारों ओर एक जुलूस के रूप में ले जाया गया। भक्ति संगीत के साथ, जैसा कि संतों के लिए पारंपरिक तौर पर किया जाता है, भक्तों की एक बड़ी भीड़ बाबा जी के पीछे खड़ी थी और लोगों ने मंदिरों और घरों से उन पर फूल बरसाए। लोगों ने हर कदम पर गाड़ी को रोककर बाबा जी की आरती की। बाबा की अंतिम यात्रा में एक लंबा समय लगा। इसके बाद वाहन को आश्रम लाया गया और अलग होने के दुख और जुदाई के बोझ वाले वातावरण में पूरी आस्था के साथ बाबा के भौतिक शरीर को अग्नि दी गई। उस दुखद समय के सभी के अपने अलग अलग अनुभव थे, जैसे कि जगमोहन शर्मा ने देखा कि अग्नि में राम और लक्ष्मण के बीच में बाबा जी खड़े थे और हनुमान जी उनकी परिक्रमा कर रहे थे। जब चिता की अग्नि शांत हुई, भक्तों ने कई कलशों में अस्थियां एकत्रित की। कुछ कलशों को वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज और पवित्र तीर्थों पर ले जाया गया, जहां उन्हें के गंगा के पवित्र जल में विसर्जित कर दिया गया। कुछ दूसरे कलशों को बाबा जी के आश्रमों में भेजा गया, जहां उनके ऊपर बाद में बाबा जी की मूर्ति को स्थापित किया गया। केहर सिंह जी को बाबा के अवशेषों को इकट्ठा करते हुए देख देव कामता दीक्षित जी ने कहा कि बाबा जी ने एक बार कहा था कि उन्होंने बाबा को यह कहते हुए सुना था कि केहर सिंह ही मेरे फूल चुनेगा। उस समय बाबा के शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता था, लेकिन उस दिन वो शब्द सच साबित हुए। महासमाधि के 13वें दिन वृंदावन आश्रम में एक भव्य भंडारा आयोजित किया गया। पहाड़ों के उत्तराखंडी रीति रिवाजों के अनुसार कैंची आश्रम में 12वें दिन भंडारा किया गया। भक्तगण जो पहले बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाए थे, उनकी महासमाधि के पश्चात 12वें और 13वें दिन उनका प्रसाद लेकर भक्तजन कृतार्थ हुए। बाबा आज भी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। बस मन में पवित्रता और निर्मलता का भाव होना चाहिए। तो दोस्तों, बाबा जी की महासमाधि से जुड़ी यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए डिस्कवर देवभूमि चैनल को।